श्रावस्ती के इकौना में आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक रामफेन पांडे ने पहुंचकर फीता काटकर किया अस्पताल का शुभारंभ। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना बाईपास से है, जहां पर आज विधायक रामफेरन पांडे ने पहुंचकर सिम्स हॉस्पिटल का शुभारम्भ किया। इस दौरान विधायक के साथ आसपास के क्षेत्रीय नेता, पदाधिकारी व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान अस्पताल के संचालक, इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, कर्मचारी व बलरामपुर से लोग पहुंचे। श्रावस्ती जनपद के इकौना बाईपास की ये तस्वीरें, जहां पर सिम्स हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ। श्रावस्ती जनपद के इकौना बाईपास हीरो होंडा एजेंसी के पास का पूरा मामला है, जहां पर आज इस नवनिर्मित हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक रामफेरन पांडे का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही विधायक ने भी कई लोगों को सम्मानित किया। विधायक के साथ में अजीत तिवारी, अरविंद महात्मा, जीवन लाल गौतम व अन्य कई ग्राम प्रधान, भाजपा के नेता तथा अन्य लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना की ये तस्वीरें, जहां पर इस आधुनिक अस्पताल का आज शुभारंभ किया गया। दावा है कि यहां सबसे बेहतरीन लोगों को उपचार मिल पाएगा। इस अस्पताल को चलाने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य में का भी सुधार हो और लोगों को बहराइच, बलरामपुर, गोंडा या लखनऊ ना दौड़ना पड़े, उन्हें सारी सुविधाएं यहीं पर मिल जाएं, ऐसा संचालकों का कहना है। आज के ओपनिंग कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्र की आशा, ग्राम प्रधान व अन्य गणमान्य आदि लोगों ने यहां मौजूद रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्रावस्ती जनपद के इकौना बाईपास का पूरा मामला है, जहां पर आज सिम्स हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व शुभारंभ करने में विधायक रामफेरन पांडे मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, डॉक्टर सन्नीदेव सिंह समेत अन्य कई डॉक्टर, कर्मचारी, इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ फार्मासिस्ट आदि लोग मौजूद है। श्रावस्ती जनपद में एक नए हॉस्पिटल खुल जाने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कई विशिष्ट अतिथियों ने भी पहुंचकर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया। श्रावस्ती जनपद में काफ़ी दिनों से ऐसे एक प्रतिष्ठान की आवश्यकता थी, जो संभवतः आज पूरा हुआ। आज इसका शुभारंभ किया गया। इकौना बाईपास पर वीरपुर मोड़ के निकट इस अस्पताल का आज से संचालन शुरू हुआ है, जो लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा।